देश की तेज तर्रार पुलिस होने का दम भरने वाली दिल्ली पुलिस के कब्जे से एक नामी गैंगस्टर फरार हो गया, वो भी पुलिस वालों को नशीला पदार्थ खिलाकर। हम जिस शातिर अपराधी की बात कर रहे हैं उसका नाम पारस उर्फ विक्रम है और वो डाबोडिया गैंग का नामी बदमाश है। नामी गैंगस्टर को पेशी के बाद दिल्ली पुलिस के चार सिपाही भटिंडा से ट्रेन से दिल्ली ला रहे थे। बताया जा रहा है कि रास्ते में गैंगस्टर ने ट्रेन में ही पुलिस वालों को पार्टी दी और उन्हें नशीला पदार्थ खिलाकर भागने में कामयाब हो गया। और तो और बदमाश पुलिस वालों की मशीन गन लेकर भी फरार हो गया। पुलिस के कब्जे से गैंगस्टर के भागने की खबर तब सामने आई जब चारों पुलिस वाले पुरानी दिल्ली रेलवे स्टेशन पर बेहोशी की हालत में मिले। आपको बता दें कि पारस उर्फ विक्रम इस साल जुलाई में भी जूता खरीदने के बहाने दिल्ली पुलिस के कब्जे से फरार हो गया था। गैंगस्टर के फरार होने के बाद चारों पुलिस वालों को आनंद फानंद में सस्पेंड तो कर दिया गया, लेकिन जिस अंदाज में बदमाश फरार हुआ उससे दिल्ली पुलिस की नाकामी का पता चलता है। नोएडा में बीती रात एक दर्दनाक हादसे में कासना थाने के एसएचओ की मौके पर ही मौत हो गई। हादसा सेक्टर 71 के पास हुआ जब नोएडा पुलिस में एसएचओ के पद पर तैनात संजय वाजपेयी अपने इंडिगो कार से जा रहे थे। कार अचानक डिवाइडर से जा टकराई, जिसकी वजह से संजय वाजपेयी ने मौके पर ही दम तोड़ दिया। दिल्ली में सरकार बनाने जा रहे अरविंद केजरीवाल को 3 जनवरी तक विधानसभा में अपना बहुमत साबित करना होगा। केजरीवाल रामलीला मैदान में 28 दिसंबर को दिन में 12 बजे सीएम पद की शपथ लेंगे। शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होने के लिए अन्ना हजारे, किरण बेदी और जस्टिस संतोष हेगड़े को न्योता भेजा गया है। भावी मुख्यमंत्री केजरीवाल क्रिसमस के मौके पर चर्च भी गए और दिल्ली के लोगों को बधाई भी दी। अरविंद केजरीवाल ने ट्वीट कर दिल्ली की आम जनता को भी न्योता भेजा है। ट्वीट में केजरीवाल ने कहा है कि दिल्ली में मैं नहीं आम आदमी सरकार बना रहा है, ये जीत मेरी नहीं उनकी है, ये आपका समारोह है, सभी दिल्ली वाले वहां पहुंचे। दिल्ली के रामलीला मैदान से क्रांति की शुरुआत करने वाले अरविंद केजरीवाल उसी रामलीला मैदान पर मुख्यमंत्री की शपथ लेने जा रहे हैं। आम आदमी पार्टी की सरकार बनाने की खबर के बाद पूरा सरकारी अमला शपथ ग्रहण समारोह की तैयारी के लिए रामलीला मैदान में जुट गया। दिल्ली पुलिस के तमाम बड़े अधिकारी जहां सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लेने पहुंचे, वहीं एमसीडी के तमाम अधिकारी तैयारी में लगे रहे। यहाँ पर दिल्ली पुलिस के जो अधिकारी हैं और एमसीडी के अधिकारी हैं वो आपस में माथापच्ची कर रहे हैं और बाकायदे नक्शा बनाया गया है। जब यहाँ पर शपथ ग्रहण समारोह होगा उस दौरान किस तरह की चौकसी बरती जाए, किस तरीके से सुरक्षा के इंतजाम हो। दिल्ली में केजरीवाल की सरकार बनने के बाद लोगों को जल्द ही बिजली, पानी और प्रशासनिक कामकाज में राहत मिलने की उम्मीद है। केजरीवाल ने ऐलान किया है कि उनके सीएम बनने के 24 घंटे के भीतर लोगों को मुफ्त पानी मिलने लगेगा। सरकार बनने के 15 दिनों के अंदर जन लोकपाल लाने के अपने वादे पर अरविंद केजरीवाल कायम। शनिवार को शपथ ग्रहण है तो 15 दिन में क्या जन लोकपाल बिल पास होगा? जन 15 दिन में लाएंगे जी जन लोकपाल। संवैधानिक संकट है फिर कैसे 15 दिन में आएगा सर? संवैधानिक नहीं है जी, इन लोगों का किया हुआ संकट है। तो इससे कैसे पार पाएंगे आप? पार पाएंगे ना, आप देखते जाइए जरा। 2 दिन बाद दिल्ली में सरकार बनाने जा रहे अरविंद केजरीवाल ने जनता दरबार लगाना शुरू कर दिया है। आज भी केजरीवाल के जनता दरबार में तमाम तबकों के लोग पहुंच रहे हैं। कल भी परेशान लोगों की अच्छी खासी भीड़ नजर आई। लोग अपनी समस्याओं से इतने परेशान थे कि कुछ लोग केजरीवाल के आगे ही रो पड़े। दिल्ली के भावी मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को कल करना पड़ा ऐसी मुश्किल का सामना जिससे हर दिल्लीवासी जूझ रहा है। जी हाँ, ट्रैफिक जाम। क्रिसमस की प्रार्थना करने गए केजरीवाल गोल डाकखाने के पास के चर्च में गए थे, जिसके बाद लौटते वक्त उनकी गाड़ी फंस गई। इसके बाद उन्होंने क्या कहा आप खुद सुन लीजिए। आम आदमी की तरह अगर रहेंगे तो हमें समस्या पता चलेगी तभी समाधान निकलेगा, तो जनता के साथ मिलकर ही समाधान निकालेंगे। हम ये तो नहीं कह रहे कि हमारे पास सारी अकल है और सारी समस्याओं का समाधान हमारे पास है। केजरीवाल को समर्थन के मुद्दे पर कांग्रेस में उहापोह तेज हो गई है। दिल्ली के 8 कांग्रेस विधायकों में 3 विधायक आम आदमी पार्टी को समर्थन देने के खिलाफ हैं। केंद्रीय मंत्री जयराम रमेश ने भी कह दिया कि आंख मूंद कर आपको समर्थन देना ठीक नहीं है। कुछ ऐसे समितियां बनने की जरूरत है जो कोऑर्डिनेशन के लिए फायदेमंद होगा, ऐसा नहीं कि हम आंख बंद कर समर्थन दें। कांग्रेस में उहापोह के हालात हैं, लेकिन आम आदमी पार्टी से बेफिक्र नजर आती है। हमारा ना तो किसी से गठबंधन है, हमारा ना किसी से अलायंस है, ना हमारी किसी से कभी बातचीत हुई है। तो जिन जिन विधायकों जो विधायक दिल्ली के लोगों के लिए काम करना चाहते हैं वो सारे समर्थन करेंगे।
राहुल गांधी के गढ़ में अपनी पैठ बनाने के लिए आप नेता कुमार विश्वास अमेठी जाएंगे। लोकसभा चुनाव में कुमार विश्वास अमेठी से चुनाव लड़ सकते हैं। इसी को लेकर कुमार विश्वास अमेठी में पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ बैठकर रणनीति तय करेंगे। गुजरात दंगों में नरेंद्र मोदी की भूमिका को लेकर आज अहमदाबाद की मेट्रोपॉलिटन कोर्ट अहम फैसला सुना सकती है। अदालत को गुलबर्ग सोसाइटी नरसंहार के मामले में मोदी और अन्य लोगों को एसआईटी द्वारा दी गई क्लीन चिट को चुनौती देने वाली याचिका पर फैसला सुनाना है। दंगों के दौरान मारे गए पूर्व सांसद एहसान जाफरी की बीवी जाकिया जाफरी ने एसआईटी की क्लोजर रिपोर्ट को चुनौती दी है। अदालत ने इस मामले में दोनों पक्षों की दलील सुनने के बाद 2 दिसंबर को फैसला रोक दिया था और आज की तारीख तय की थी। 2002 में हुए दंगों के दौरान गुलबर्ग सोसाइटी में पूर्व कांग्रेस सांसद एहसान जाफरी समेत 69 लोग मारे गए थे। इस मामले की जांच के बाद एसआईटी ने मोदी और अन्य को किसी भी साजिश से बरी कर दिया था। जाकिया ने एसआईटी की इसी क्लोजर रिपोर्ट को चुनौती दी है। झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री और 4000 करोड़ रुपए के घोटाले के आरोपी मधु कोड़ा कांग्रेस में शामिल हो सकते हैं। नए साल का आगाज वो कांग्रेस के साथ करेंगे। हालांकि इस मामले में कांग्रेस अभी कुछ भी कहने से इनकार कर रही है। कांग्रेस ने ये जरूर माना है कि मधु कोड़ा की पत्नी गीता कोड़ा कांग्रेस में शामिल हो रही है। कांग्रेस में कब तक शामिल होंगे? इसी महीने का अंत तक हो जाएगा। कांग्रेस पार्टी के साथ मिल करके एक सिपाही की तरह काम करना चाहते हैं। केंद्रीय इस्पात मंत्री बेनी प्रसाद वर्मा ने समाजवादी पार्टी और बीजेपी पर अंदरूनी सांठगांठ का आरोप लगाया है। लखनऊ में उन्होंने कहा कि मुजफ्फरनगर दंगा एसपी और बीजेपी की सांठगांठ के कारण हुआ, ताकि हिंदू और मुस्लिम वोटों का ध्रुवीकरण हो सके। साथ ही उन्होंने अखिलेश सरकार पर भी निशाना साधते हुए कहा कि मुजफ्फरनगर में हुए दंगों और राहत शिविरों की समस्याएं सुलझाने के बजाय समाजवादी पार्टी सैफई महोत्सव मनाने में जुटी हुई है। अमिताभ बच्चन और राज ठाकरे की मिटी दूरियों से सियासी भूचाल आ गया है। समाजवादी पार्टी ने मुंबई में कई जगहों पर पोस्टर लगाकर बिग बी पर गद्दारी का आरोप लगाया। अबू आजमी ने कहा कि अमिताभ ने राज ठाकरे से हाथ मिलाकर उत्तर भारतीयों का अपमान किया है। मामले के तूल पकड़ने के बाद पोस्टर उतार लिए गए। अमिताभ बच्चन और राज ठाकरे के मंच साझा करने पर अबू आजमी के हमलों का एमएनएस ने करारा जवाब दिया है। एमएनएस नेता बाला नंदगांवकर ने कहा कि जो शख्स बम ब्लास्ट और देशद्रोह का आरोपी रहा हो, उसको इस मामले में बोलने का अधिकार नहीं है। एमएनएस ने कहा कि अमिताभ बच्चन जितने उत्तर प्रदेश के हैं, उतने ही महाराष्ट्र और पूरे देश के। अबू आजमी को अपनी खुद की ऊंचाई देख के कौन से ऊंची के लोगों के बारे में बात करना वो सोचना चाहिए। समाजवादी पार्टी के बाद एनसीपी ने भी बिग बी पर निशाना साधा है। एनसीपी प्रवक्ता नवाब मलिक ने अमिताभ बच्चन को अवसरवादी बताया है। मलिक ने कहा कि अमिताभ और राज ठाकरे दोनों मौका परस्त हैं और मौका आने पर अपनी अपनी भूमिकाएं बदलते रहते हैं। राज ठाकरे और अमिताभ बच्चन दोनों और नेता और अभिनेता हैं, और दोनों लोगों ने क्यों किस लिए इस तरह के कार्यक्रम में इकट्ठा आने का निर्णय लिया, ये दोनों अवसरवादी लोग हैं। आदर्श घोटाले मामले में कुछ चौंकाने वाले खुलासे हुए हैं। इस मामले में अब एमएमआरडीए की भूमिका सवालों के घेरे में है। आरटीआई से खुलासा हुआ है कि आदर्श जमीन की सारी हकीकत जानते हुए भी एमएमआरडीए के 3 कमिश्नरों ने इमारत निर्माण के लिए जरूरी सर्टिफिकेट दिए। यही नहीं, एमएमआरडीए ने आदर्श को ऑक्यूपेशन सर्टिफिकेट भी दे दिया था। आरटीआई के जरिए यह भी पता चला है कि एमएमआरडीए ने पहले आदर्श के प्रोजेक्ट को दी हरी झंडी और फिर गैर कानूनी काम का हवाला देते हुए 8,12,00,000 वसूले। आरटीआई के जरिए महाराष्ट्र के मंत्रियों की फिजूल खर्ची का सच सामने आया है। जानकारी में पता चला है कि मंत्रियों ने पिछले 3 साल में करोड़ों रुपए अपने सरकारी घर की रेनोवेशन में खर्च किए। मुख्यमंत्री ने सरकारी बंगले के रेनोवेशन पर 73,00,000 से ज्यादा खर्च किए, जबकि उप मुख्यमंत्री ने करीब 60,00,000 रुपए अपना बंगला सजाने में खर्च कर डाले। राजस्थान बीजेपी के 5 सांसदों ने मुख्यमंत्री वसुंधरा को पत्र लिखकर रॉबर्ट वाड्रा के जमीन सौदों की जांच करने की मांग की है। बीकानेर के आसपास के इलाकों में सोनिया गांधी के दामाद रॉबर्ट वाड्रा ने काफी जमीन खरीदी। बीजेपी के मुताबिक सरकार की योजना इन जमीनों पर सोलर प्लांट लगाने की थी। आम चुनाव के पहले बिहार में पार्टियां जोड़ तोड़ और नए साथी की तलाश में जुट गई हैं। खबर है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू रामविलास पासवान की एलजेपी से हाथ मिला सकती है।
आरजेडी और एलजेपी में सीटों के तालमेल नहीं हो पाने की वजह से ये कयास लगाया जा रहा है। यौन शोषण के आरोपी जस्टिस गांगुली पर जल्द कार्रवाई हो सकती है। सरकार की तरफ से संकेत है कि 48 घंटे में उनके खिलाफ कदम उठाया जा सकता है। कानून मंत्रालय पहले ही कह चुका है कि आरोपी जस्टिस गांगुली के खिलाफ केस बनता है। कर्नाटक के 18 विधायक स्टडी टूर पर लैटिन अमेरिकी देशों की यात्रा करेंगे। वहां ये विधायक बुनियादी ढांचे और विकास की पढ़ाई करेंगे और इस पर अपनी समझ बढ़ाएंगे। फरवरी में इनके जाने का प्लान है। इस टूर के लिए एक विधायक के ऊपर 17.5 लाख रुपए का खर्च आएगा। मुंबई के भांडुप इलाके में उस समय सनसनी फैल गई जब चार बदमाशों ने रिलायंस एनर्जी के कर्मचारी को दिन दहाड़े गोली मारकर गंभीर रूप से घायल कर दिया। घायल व्यक्ति को नजदीक के अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां वो खतरे से बाहर बताया जा रहा है। गोली चलाने वाले शख्स मौके से फरार हो गए और पुलिस कह रही है कि वो जल्द ही आरोपियों को गिरफ्तार कर लेगी। लेकिन इस घटना से मुंबई में सुरक्षा को लेकर तो सवाल खड़े हो ही गए हैं। मुंबई में रेप के आरोप में एक फोटोग्राफर को गिरफ्तार किया गया है। मॉडल का आरोप है, फिल्म दिलाने के नाम पर आरोपी फोटोग्राफर ने उसका फोटो सेशन किया और इस बीच अश्लील फोटो खींची और उसे इंटरनेट पर डालने की भी धमकी दी। मशहूर पंजाबी गायक नछत्तर सिंह गिल को रेप के आरोप में गिरफ्तार किया गया है। पीड़ित का आरोप है कि नछत्तर सिंह ने शादी और इंडस्ट्री में प्रमोट करने के नाम पर उसके साथ कई बार रेप किया। नछत्तर सिंह ने आरोपों से इनकार किया है। दिल्ली में 6 बच्चों के अचानक गायब होने से पुलिस की नींद उड़ी हुई है। 8 साल से 13 साल उम्र के ये सभी बच्चे पश्चिमी दिल्ली के उत्तम नगर से लापता हुए हैं। पुलिस ने मामला दर्ज कर टीमें बनाकर इनकी खोजबीन शुरू कर दी है। ये सभी सरकारी स्कूल में पढ़ते थे और 24 दिसंबर को दिल्ली घूमने के लिए घर से निकले थे, तभी से गायब हैं। गुड़गांव में हथियारों से लैस बदमाशों ने पेट्रोल पंप से 4 लाख रुपए लूट लिए। ये वारदात सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। बाइक सवार 3 नकाबपोश बदमाश रात में पेट्रोल पंप के कैशियर के केबिन में दाखिल हुए और विरोध के बावजूद पैसे लेकर फरार हो गए। पुलिस मामले की जांच कर रही है। जम्मू कश्मीर के राजौरी में ग्रेनेड फटने से एक बच्चे की मौत हो गई जबकि 2 घायल हो गए। तीनों बच्चे पानी लाने वाली बावली पर गए थे, रास्ते में ग्रेनेड मिला और वो खेलने लग गए, तभी ब्लास्ट हो गया। जख्मी बच्चों की हालत खतरे से बाहर है। डरबन में आज से दक्षिण अफ्रीका और टीम इंडिया के बीच दूसरा टेस्ट मैच खेला जाएगा। 2 मैचों की सीरीज में जो भी टीम इस आखिरी मुकाबले को जीतेगी सीरीज उसी के नाम हो जाएगी। जोहानिसबर्ग में पहला टेस्ट ड्रॉ हो गया था। बुलंद हौसलों के साथ टीम इंडिया डरबन की रणभूमि के लिए पूरी तरह तैयार है। टीम इंडिया अपने इस लकी मैदान पर किस्मत के साथ साथ अपनी ताकत को भी आजमाने का मौका नहीं छोड़ेगी। I just had a look at the wicket, but it's difficult to predict at the moment. It might rain, so you never know. But it looks like a very good wicket. दक्षिण अफ्रीका के महान ऑलराउंडर जैक कैलिस ने टेस्ट से संन्यास का ऐलान कर दिया है। भारत के खिलाफ दूसरा टेस्ट मैच उनका आखिरी टेस्ट होगा। कैलिस ने कहा कि टेस्ट से विदाई लेने का ये सही वक्त है, हालांकि वो वनडे खेलते रहेंगे। कैलिस 18 साल से दक्षिण अफ्रीका के लिए खेल रहे हैं।